अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज मंच के तत्वावधान में कलेक्टर पर फिल्म पद्मावत के विरोध में प्रदर्शन किया गया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने पहले तो कलेक्ट्रेट के मुख द्वार पर फिल्म के निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली का पुतला जलाया और फिर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हुई बातचीत में वक्ताओं ने कहा कि मनोरंजन के नाम पर हिंदुओं के गौरवशाली इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, क्षत्रिय समाज ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि इस फिल्म के प्रदर्शन को रोका जाए। इस दौरान रामजी लाल, महावीर सिंह, लता चौहान आदि मौजूद रहे। किस 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 बैनर के थ्रू आज आप ये पुतला जला रहे, क्यों जला रहे? हमारा क्षत्रिय मंच के द्वारा हम लोग जला रहे हैं और सारे लोग इकट्ठा होकर, लगभग पूरा हिंदू समाज इकट्ठा, और आएगा धीरे धीरे, जागरूकता आएगी। लेकिन पहले तो राजपूतों की बात है, तो राजपूत ही आएंगे। जब राजपूत सबकी रक्षा के लिए आए तो आज अपने लिए क्यों जलाया है आज आपने पुतला? किसका जलाया है? जलाया है पद्मावती का नाम। पद्मावत कर देने से आप फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते। आप एक झंडी मिटा के और उस बात की आप ये दिखाना नहीं चाहते किससे दब रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज से इतना दब रहा है यहाँ हर सरकार कि अलाउद्दीन खिलजी एक बीमार मानसिकता का मनुष्य था। आप मेरे बारे में कुछ सोचते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा आपका क्या कॉन्टेक्ट है वो देखना चाहिए। आप उसको दिखा रहे हैं कि रानी के लिए दीवाना है, लेकिन वो दीवाना नहीं, उसकी वो बीमार मानसिकता है। वो बहुत गंदा और गंदे किस्म का मनुष्य था। किसी को भी, जैसे आज भी लोग रास्ते चलते उठा ले रहे हैं, लड़कियों को नकारने पे गोली मार रहे हैं, तो क्या इसमें महिलाओं की गलती है? सुप्रीम कोर्ट चाहता है फिल्म चलनी चाहिए, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को क्या है आजकल? सुप्रीम कोर्ट में भी वही लोग बैठा दिए जाते हैं जो सरकार के हिसाब से चलते हैं। हम इस चीज का विरोध करते हैं। कोई नहीं है, जनता जनार्दन स्वयं सुप्रीम कोर्ट है। हम अपनी अपनी खिलाफ कोई फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे। इसके सुप्रीम कोर्ट हम स्वयं पूरे राजपूत वंशावली है। क्या करेंगे अब, क्या करेंगे अगर फिल्म नहीं हुआ है? खुद करेंगे, सिनेमा हॉलों में आग लगा देंगे, लोगों को मार देंगे, जेल जाएंगे, जो बन पड़ेगा वो करेंगे। अगर आपको यही है कि आप लोग हमको जानबूझ के ऐसी बात, ऐसी सिचुएशन लाना चाहते हैं कि राजपूत लड़े और लड़के इसको हम जेल भे भरे, तो चलो भैया भर दो, तुम्हारा लोगों का शासन है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। आज आपने किसका पुतला जलाया है? इन लोगों को समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, समाज की कुरूतियों पे फिल्म बनाने को नहीं मिलता है, इनको इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाने को मिलता है। इतिहास को आपने शिक्षा के विभाग से, कोर्स से खत्म कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को आप नहीं दिखाते हैं, दुर्गावती को आप नहीं दिखाते हैं, आप पद्मावती के ओरिजिनल चीज को नहीं दिखाते। 16,000 के साथ जौहर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, लड़ते लड़ते मर जाना और जिंदा आग में समा जाना, दोनों में फर्क होता है। राजपूताना महिला फिर दोबारा से जौहर करने की बात कर रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। राजपूतों का बहुत हौसला है, मत ललकारो, सोते हुए शेरों को मत जगाओ। अगर जाग गई ना छत्राणियां तो ये वो कर दिखाएंगी जो आप कभी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हो, वो कर देंगी।